हेलो दोस्तों, मैं रजनी और आप देख रहे हैं रजनी की रेसिपी। और देखिए, आज मैं लेकर आई हूँ आपको तीन सामानों से बनने वाली ये मिठाई। बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाती है। तो देखिए, इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। और देखिए, ना तो इसमें चाशनी बनाने का झंझट है और ना ही मावे का। और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये मिठाई आपको बहुत पसंद आती है, तो इस बार आप ज़रूर बनाइए रक्षाबंधन पर। तो देखिए, इसके लिए हमने ले लिया है आधी कटोरी मिल्क पाउडर। आप मिल्क पाउडर देखिए अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैं इसे आधी कटोरी ही लिया हुआ है। आप जितना बनाए क्वांटिटी में उतना ले लीजिए। तो देखिए, आधी कटोरी मिल्क पाउडर के साथ साथ लेने वाले हैं हम एक कटोरी चीनी पिसी हुई। तो देखिए, आप चीनी नहीं लेना चाहते हैं तो बूरा भी ले सकते हैं इसके साथ, या फिर आप मिश्री भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसे चीनी को पीस कर ही लिया हुआ है। इसे पहले छान लीजिए, इस बात का ध्यान रहे कि इसमें कोई भी गुठली ना रहनी चाहिए। ये ले लिया है मैंने, जितनी चीनी ली है उतना ही लिया है नारियल का बरूदा, देसी कोकोनट भी बोला जाता है। तो देखिए, इसे नारियल के बरूदे को हमने इसमें डाल लिया है। अब इसी के साथ करना क्या है हमें, तो देखिए आप, इसमें मैंने बताया है कि नहीं चाशनी की ज़रूरत है और ना ही इसमें गैस जलाने की। बहुत ही जल्दी और झटपट बनने वाली ये मिठाई आपको बहुत पसंद आने वाली है। सबसे पहले तो आप इसे अच्छी तरीके से हाथ से मिला लीजिए, क्योंकि मिल्क पाउडर में हल्की हल्की सी गुठलियाँ रह जाती हैं। तो हम बर्फ़ी बनाने जा रहे हैं तो हम ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे कि बर्फ़ी बनाएं तो उसमें गुठलियाँ आ जाएं। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने हाथ से पहले मैश कर लीजिए ताकि वो अच्छी तरीके से मिल जाए। तो चलिए, देखिए मैं इसे हाथ से मिला लेती हूँ। अब देखिए, मैंने इसे हाथ से अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब ले लेते हैं हम, देखिए हमारे घरों में जो दूध के ऊपर मलाई आती है वो, ये मैंने ताजी वाली मलाई ली है। तो आप इसे ले लीजिए और इसे लेने के बाद अपने हाथों से इसे अच्छी तरीके से मिलाइए, क्योंकि अगर आप इसे वैसे मिलाएंगे तो सही से मिलेगा भी नहीं। तो इसे अपने हाथों से अच्छी तरीके से, जितना अच्छी तरीके से आप इसे मिला लेंगे उतनी ही अच्छी बनकर तैयार होगी हमारी ये बर्फ़ी। तो देखिए, मैं इसे अपने हाथों से मैश कर आपको दिखा रही हूँ। एक साथ हमें अपनी मलाई बिल्कुल नहीं डालनी है और ताज़ी मलाई डालनी है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं, 2 से 3 चम्मच। अगर दूध भी नहीं है तो भाई, पानी तो सभी के घरों में होता है, वो पानी भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन पानी उबला हुआ, उबाल कर ठंडा हो, इतना आपको करना है। तो जब हमारी बर्फ़ी हो जाएगी तैयार, देखिए ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और आपको बहुत पसंद आने वाली है। क्योंकि हम लेडीजों पर होता क्या है कि कभी कभी हम चाशनी बनाने में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, कभी पतली हो जाती है। तो ना तो इसमें चाशनी बनाने का झंझट है, ना ही गैस जलाने का झंझट है। और देखिए, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है ये हमारी बर्फ़ी। तो देखिए, जो मेरे पास रखी हुई थी मलाई, मैंने वो भी डाल ली है, और थोड़ी सी रह गई, अगर कम पड़ गई तो वो भी डाल लेंगे। ये मलाई हमारी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ हमारे घरों में जो चम्मच होती है वही 3 चम्मच मैंने ली हुई है, और ताजी फ्रेश मलाई लेनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, इस जो मिठाई हम बनाने जा रहे हैं, इस मिठाई को आप फ्रिज में 1 हफ्ता स्टोर कर रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने सारी मलाई डाल ली है और देखिए हमारा अच्छी तरीके से बर्फी का डो भी तैयार हो गया। अब हम इसे 2 कलर में बनाने वाले हैं, तो इसे हम हाफ यानी कि आधा आधा कर लेना है। कलर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। देखिए, मैंने फूड कलर लिए हुआ है और ये मैंने हरा कलर लिया हुआ है। तो देखिए, हाफ मैंने इसमें डाल लिया है और देखिए इसे मिलाएंगे अच्छी तरीके से। जितना अच्छी तरीके से आप इसे मिलाएंगे उतना ही कलरफुल बनकर तैयार होगी हमारी ये मिठाई। देखिए, बन मैंने जो इसमें कलर डाला है अच्छी तरीके से मिल गया है। तो देखिए, आप कलर अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने पहले ही इसमें एक टिन यानी कि एक लंच बॉक्स है जो मेरे पास है, वो मैंने पहले घी और इसे गोले को बादाम को काट कर डाला हुआ है। आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। तो इसे धीरे धीरे कर हम इसे फैला लेंगे। देखिए, मैं आपसे हर स्टेप बताऊंगी, कोई भी स्टेप मिस नहीं करने वाले हैं, कि जैसे जैसे आपको देखिए ये फैला ली है तो इसे हाथ से प्रेस कीजिए। देखिए, मैंने प्रेस कर दिया है। अब ऊपर से हम इसे दूसरे कलर की बनाने वाले हैं, तो जो आधा डो हमारा बचा हुआ था वो भी इसके ऊपर फैला लेते हैं। आप चाहें तो इसे 3 कलर से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे 2 कलर से बना रही हूँ। तो देखिए, 2 कलर ही मैंने इसमें यूज किए हैं। आप कलर वैसे अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन इसमें कलर जब डालें तो फूड कलर जब डालें, जो हमारा फूड कलर आता है खाने का, वो वाला डालें। तो देखिए, इसे अपने हाथ से, ज़्यादा तेज नहीं दबाना, इसे अपने हाथ से दबा लीजिए और हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। और देखिए, साइड से जो है इधर उधर जो बिखर रहा है उसे भी एक साथ
वो कर लेंगे। देखिए अच्छी तरीके से हमने इसे कर दिया है। अब इसे करना क्या है देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको। इसे हमें 5 से 7 मिनट आपको रख देना, रखने के बाद आप उसको बाद में हम चेक करेंगे। तो देखिए मैंने इसे 5 से 7 मिनट हो चुकी है, अब हम इसे निकाल कर भी आपके सामने दिखाने वाले हैं। चलिए तो देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाता है, जैसे हाथ से आप टैप टैप करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से निकल कर तैयार हो जाएगी। देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है हमारी मिठाई। आप जो बाजार से 1000 रुपये किलो की मिठाई लाते हैं वो अपने घर पर ही बना लीजिए। इस रक्षाबंधन आप बाजार में जाने बंद कीजिए और अपने घर पर अपने भाई के लिए अपने रिश्तेदारों के लिए मिठाई बनाइए बहुत अच्छी। जो बाजार से लाते हैं आप मिलावटी मिठाई उसे आप घर पर ही बना सकते हैं दोस्तों। तो देखिए मिठाई हमने बना ली है। आप मैंने इसमें लंबे कट किए हैं, आप चाहें तो इसमें छोटे कट भी कर सकते हैं। और देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, देखने से ही मुँह में पानी आ जाएगा, इतनी बढ़िया बनकर हमारी तैयार हुई है मिठाई। चलिए तो अब इसके आप कट करना चाहते हैं ज़्यादा, मैंने इसमें लंबा कट किया है, अगर आप छोटा कट करना चाह रहे हैं तो वो भी मैं आपको कट कर कर दिखाने वाली हूँ। देखिए इसके हाफ कर देने हैं, ये देखिए बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। इसके हाफ पीस हमने तैयार कर लिए हैं, देखने से ही लग रहे हैं ना एक टिमटिम मिठाई बिल्कुल। तो दोस्तों मैं याद दिला दूं, अगर आपको आज की बनी हमारी ये मिठाई पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस रक्षाबंधन पर आप इस मिठाई को जरूर बनाइए और आपकी होने वाली है तारीफ। तो देखिए सारी मिठाई हमने बनाकर तैयार कर लिए। चलिए तो मैं एक इस प्लेट में भी आपको दिखा देती हूँ रख कर। देखिए लग रही है ना कि बिल्कुल बाजार जैसी मिठाई, कोई बता ही नहीं पाएगा कि आपने अपने घर पर ही इतनी स्वादिष्ट मिठाई और बिना चाशनी और बिना घी और बिना मावे के तैयार की है।